देखो यहाँ पे भी पड़ा है यहाँ से आगे तक, और ये होता है मतलब जब भी कोई मेन चीज होती है। सामने आई थिंक एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि ये जो चीज आपने करी हुई है ना ये है इल्लीगल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज सबसे पहले मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज है 15 अगस्त और आज हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन होता है, हमारे देश के लिए एक बहुत स्पेशल दिन होता है। इसी के लिए आज हम जो है एक रैली का प्लान हर साल ही रहता है बट कभी किसी वजह से नहीं हो पाई। पिछले साल हमने क्या है कि एक दिन पहले ही कर ली थी, उस पर भी काफी सारे लोगों ने कहा कि भाई 14 अगस्त को कर ली है तो क्या 14 अगस्त को क्या पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो। तो इस बार हम जो है रैली कर रहे हैं 15 अगस्त को ही। तो फटाफट से फिलहाल निकलते हैं और सब लोग जो है वो हमारा वेट कर रहे हैं। गाड़ी मेरे पास कोई भी यहाँ पे नहीं है, जिमनी जो है रोहन भाई को दी हुई थी वहीं लगी हुई है। तो आज बाइक लेके ही जाने वाले हैं, यहाँ से सीधा रोहन भाई की वर्कशॉप तक जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ से कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे वो आपको वहीं पे चल के बताते हैं। गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं। अर्जुन भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्या बोलते हैं? सेम टू यू। और सुनाओ कौन सी गाड़ी पे झंडा लगाया? वो थार पे। थार पे? तो थार है किधर? वो आ रही है अभी। आ रही है? ये चलो कोई नहीं। तो गाइस यही कुछ मसला है, अभी देखते हैं। थार आ रही है, वेट कर रहे हैं। तो चलो उस पे ऑडी पे क्या कपड़ा मार रहे थे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस क्या हाल चाल है? बढ़िया। किधर जा रहे हो? बस आपके साथ। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो इधर ही है। चलिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या हाल चाल है? ठीक हो? किधर जा रहे हो? तैयारी में हो? तैयारी पूरी है बस। अभी हमारी गैंग का मेन लीडर जो है रोहन भाई रहते हैं, बस उनके आने का इंतजार है और फिर हम निकलेंगे। परसों जो डेंट पड़ा था वो भी मैंने कहा आपको दिखा दूं, तो अभी आपको यहां से क्लियरली विजिबल है, दोनों साइड पे आ गया है। देखो यहां पे भी पड़ा है और यहां पे भी पड़ा है, कल उतना नहीं दिख रहा था लेकिन हाँ डेंट तो पड़ा है। तो सामने पड़ा है और यहाँ से देखो ये पेंट भी फट गया है क्योंकि ये कोना ना यहाँ से पास आ गया है। वैसे करवाने को ठीक करवा भी सकते हैं बट इतना नजर बट्टू भी रहने दे सकते हैं। बाकी ये पत्ते पुत्ते तो अभी भी निकल रहे हैं। बाकी आज जो है हम जिमनी नहीं लेके जाएंगे, आज लेके जाएंगे थार को। चलिए ये आ गई हमारे ऋषभ भाई की गाड़ी, और थार देखना चाहोगे आप? लाओ जी। तो ये आ गया। अच्छा दो गाड़ियाँ हैं हमारे पास। अच्छा ये भी कुछ पीने के लिए लाए, क्या है? पाइन एप्पल जूस है। हाँ जी क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो जी फटाफट से निकलते हैं रैली के लिए बिकॉज वी आर लेट ऑलरेडी। निकल चुके हैं फिलहाल फटाफट से और सब लोग जो है वो वेट कर ही रहे हैं। सो लेट्स गो। रोहन भाई वाली गाड़ी भी जो है वो भी रेडी हो चुकी है और देखो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब ब्यूटीफुल लग रही है दोनों गाड़ियां। दोनों थार एक 700 है सीआरडी, मतलब वही ओल्ड शेप वाली है और हार्ड टॉप का फर्क है दोनों में बट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। गाइस अभी यहां कर रहे थे साहिल भैया का वेट, फॉर्चुनर वाले आ चुके हैं तो इन्हीं का ही वेट कर रहे थे। हाँ जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। चले फिर, चलो चलो कर लो गाड़ी आगे। एक्चुअली इन्हीं का वेट कर रहे थे तो सब लोग आज फुल जोश में है, मतलब इंडिपेंडेंस डे की एक अलग ही वाइब रहती है। सो गाइस आज तो मतलब रास्ते में भी इतनी सारी गाड़ियां जो है हमें वो मिल रही हैं। तो एक्चुअली हमने ना एक कंबाइन, जैसे हमारा आपको पता है ग्रुप है जम्मू मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी, जैसे ऑफ रोड के लिए तो क्या है 4x4 SUV रिक्वायर रहती है बट आज की रैली के लिए किसी 4x4 गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसके पास कोई सी भी गाड़ी है वो रैली ज्वाइन कर सकता है। तो देखते हैं आज कितनी गाड़ियां होने वाली है एंड कैसा सारा जो है सिस्टम जाने वाला है। सो लेट्स सी। तो गाइस इधर क्या हो रहा है, पूरे रास्ते में ट्रैक्टर फंस गया है, क्या हो गया है, अटक गया है कुछ मसला। फिलहाल आप देख सकते हो आज का लाइन अप, काफी सारी गाड़ियां हैं, काफी अच्छा जो है हमारा इवेंट। होप करते हैं कि जाना चाहिए, अंदर तो जगह नहीं है, कहीं बाहर ही लगा लेते हैं गाड़ी को। सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी, और सिस्टम चेक करो इंडिपेंडेंस डे का। सिस्टम तो भाई सिस्टम ही निकल कपड़े चलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। एक तो पता नहीं चल रहा देख कहां रहे हो आप, आप भी देख रहे हैं। आपकी होगी सुबह वाली? तो इनकी रैली बिल्कुल टाइम पे रही है भैया, ये हमेशा टाइम पे निकलती हैं। हम भी लेट लतीफ हैं। अच्छा ये हर ग्रुप का यही हाल है कि सारे लोग लेट होते हैं। अच्छा आप भी लेट हो? सब लेट होते हैं, 12 बजे निकलते हैं। फिर ठीक है, फिर ठीक है, 12 बजे निकले हैं हमने, 11 का दिया था, 12 बजे निकलेंगे। सो गाइस फिलहाल क्या है कि लाइनअप के लिए जो है गाड़ियां वो लग चुकी हैं, वहां सामने आप देख रहे हो। तो हम भी अपनी गाड़ी को टर्न कर लेते हैं एंड चलते हैं आगे की ओर, बाकी सीन्स आप चेक कर ही सकते हो। तो इधर देख सकते हैं अपनी मोस्टर रैंगलर भी है पर भैया की फॉर्च्यूनर भी चले गो। सो गाइस काफी सारे लोग आए हुए हैं आज, तो मतलब सब लोग एक साथ ही हैं जो आए हुए हैं। बाहर निकाल ले बाहर। ठीक है ठीक है। ब्लॉकेज का भी काफी सीन है, काफी रिस्पॉन्सिबिली राइड करना पड़ेगा हमें। सो दोनों साइड आप चेक कर सकते हो गाड़ियां, और ये है अपने अभिनंदन भैया। चलो जी
फाइनली जो रैली है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी क्या है कि बाइक्स को जो है हम आगे जाने देंगे और गाड़ियां जो है वो उनके पीछे रहेंगी। सो ये मेन जो है स्ट्रेटजी तो यही है। बस मैं चाहता हूँ कि यार जब इतनी बड़ी कॉन्वॉय आप लीड कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो हर एक बंदा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिली चले, तो कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए भाई इस चीज़ पे। मतलब देश के नाम के लिए कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, क्योंकि ये फन और प्लेजर के लिए नहीं है, देश के लिए। एंड दिस थार हैज द बिगेस्ट प्लान। अरे ये नहीं करना। बहुत ज्यादा टफ होता है इतनी बड़ी कॉन्वॉय को मैनेज करना। फिलहाल मैं और साहिल भैया जो है हम लोग आए हैं आगे। कोशिश है कि हमारी दो लेन रहे और सब लोग उसमें मेंटेन रह के चले, बिकॉज इसकी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी और कुछ भी मिस हैपनिंग हो रही है। सो दैट्स व्हाई हम चल रहे हैं कि सीधा चले। तो मुझे लगता है पिछले 10 मिनट से जो है मैंने इंडिकेटर दिया है और मैं सब गाड़ियों को पास दे रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को लगता है 100-150 गाड़ी जो है वो हो चुकी है, मतलब खत्म ही नहीं हो रही यार। इतना टाइम हो गया और अभी भी गाड़ियां देखो पीछे ही आ रही हैं। बहुत बड़ा लाइनअप हुआ आज का। तो गाइस रैली जो अभी वापस आ चुकी है और आप देख रहे हो बहुत बड़ा लाइनअप है। बाय 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 बाय। चलो जी जाना तो जाना तो जाना तो। फिलहाल फाइनली वापस पहुंच चुके हैं और ब्रिज 1 किलोमीटर का पूरा 1 किलोमीटर तक का आगे गाड़ियां लगी हुई। हाँ मतलब इतना बड़ा लाइन था आज का। तो चलिए फिलहाल मैं आ गया था ऊपर, यहाँ से पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा था। रोहन भाई आप ऊपर क्यों नहीं आए? ड्रोन हमेशा लाना भूल जाता हूँ और आज भी हम अपना ड्रोन भूल गए। अदरवाइज यहाँ से आपको क्या बढ़िया शॉट दिया। महाराज जी शुभम भाई क्या चले, आए नहीं आप रैली पे? चलिए जी, तो शुभम भाई है अपने, क्या है की रैली जो है वो हमारी हो चुकी है, लेकिन आप केक देख रहे हो तो आज हमारे बड़े भाई को आगे तो बुलाओ। बड़े भाई मुझे क्या बात है, खाना पीना हो चुका है, सारे नोट कर रहे हैं। तनुष भी क्या कर रहे हैं ये बड़े बॉय के ऊपर? ये नई टेक्निक है। चलो जी फाइनली रैली से जो है करके रैली करके वापस आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे से रैली हुई, कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। एक्चुअली पहले हमारा प्लान थोड़ा सा लंबा था, बट फिर क्या है कि गाड़ियां इतनी ज्यादा थी और लंबे के लिए मैनेज कर पाना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए जहां तक हमसे मैनेज हुआ तो हमने उतना मैनेज किया। उसके बाद हमने जो है रैली को एंड कर दिया। जैसे आप अभी ये मेरे सामने देख रहे हो ना फ्लैग, तो अब रैली तो खत्म हो चुकी है, अब उसके बाद बात आ जाती है इस फ्लैग की। तो सीधा पहले रोहन भाई के पास चलते हैं और मैं इस फ्लैग के बारे में भी आपको बताता हूँ। है तो इंडियन फ्लैग ही है, बट क्या मैं बताने वाला हूँ वो इंटरेस्टिंग है। सामने आई थिंक एक्सीडेंट हो गया है बाइक और स्कूटी का, आई डोंट नो किसको लगी है ज्यादा। क्या तेज चीज ना लगा लगा इसी से करो करो करो। ये रोहन भाई ने मजाक के मूड में रहते हैं ज्यादा। नहीं नहीं चल पे काम। तो गाइस फ्लैग तो जो वो है उतर गया है, तो अभी इसको संभाल के रख देंगे अंदर कहीं भी ऐसी जगह करेंगे, और अभी इसका क्या करना है वो आपको बताते हैं। अभी क्या है कि आदित्य भाई भी आए हुए थे, देखो जायंट स्कॉर्पियो है, इनकी स्कॉर्पियो का नाम है जायंट स्कॉर्पियो। कितनी बड़ी लग रही है, मतलब थार भी इसके सामने ना छोटी लग रही है, इतना साइज है इसका। तो अभी हमारा एक फ्लैग तो उतर चुका है। रोहन भाई छाए में लगाए, धूप में नहीं बनेगी बात। चलो फिर लगाओ, ब्लेड पकड़ो। अच्छा ब्लेड, ओके। फिलहाल क्या है कि आज का इंडिपेंडेंस डे जो है हमने काफी अच्छे से सेलिब्रेट करा, राइड भी करी, रैली भी करी, और हमारी गाड़ी पे जो फ्लैग भी है वो भी लगा हुआ है। बट इस फ्लैग की स्टोरी हम आपको बता दें, तो एक्चुअली ये फ्लैग मैंने लगवाया था कितने सैटरडे को थी, शायद 12 तारीख थी सैटरडे को। तो उस दिन जहाँ हमने गाड़ी ये लगाई ना, वहाँ पे शाम को क्या हुआ रोन भाई आप बताओ, मैं बताऊँ? तो वहाँ शाम को क्या हुआ, जहाँ हमने गाड़ी लगाई हुई थी ना, वहाँ पे जो उस स्टेशन के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे वो वहाँ शॉप पे आए और उन्होंने कहा कि ये जो चीज आपने करी हुई है ना ये है इल्लीगल। फिर हमें भी शॉक लगा कि हमने कहा यार इंडियन फ्लैग ही तो है, इसमें इल्लीगल क्या है। बट फिर उन्होंने हमें ना एक सेक्शन खोल के बताई और वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, द फ्लैग शैल नॉट बी ड्रैप्ड ओवर द हुड, टॉप साइड और बैक ऑफ द व्हीकल,
ठीक है। ये जो इंडियन फ्लैग है ना, ये आप गाड़ी पे इस तरह से नहीं लगा सकते हो। आज का दिन क्या है कि स्पेशल रहता है, सब लोग रैली कर रहे हैं, बहुत सी गाड़ियों पे आपने क्या फ्लैग लगे हुए देखेंगे, बट मतलब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के अलावा आपको यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने अपना दूसरा वाला फ्लैग भी रिमूव कर दिया और अब हम ये फ्लैग भी रिमूव करेंगे। वैसे हमने उन सर से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इंडिपेंडेंस डे तक आप लगा सकते हो बट उसके बाद इसे रिमूव कर देना। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें ये जो फ्लैग है वो रिमूव करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी केयरफुल रहें और इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करें और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन सब की भी रिस्पेक्ट करें, जैसा कि हम कोशिश करते हैं करने की, बट हर एक रूल हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट जितना हमारे बस पे है हम उतना करते हैं। ठीक है भैया। और अभी जैसे भैया ने लगाया भी ये बड़े उससे था कि जैसे ये आप देख रहे हो ना टेप से ही लगा हुआ है, तो ये जैसे सिंपली उतर जाएगा। इसके पीछे हमारे वाला स्टिकर भी है, तो ये जो है हम अभी उतारने की कोशिश करते हैं एंड काफी रिस्पेक्ट से उतारना है एंड उसके बाद इसे भी अगर हमने ऐसे ही बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट में नहीं डिस्पोज करना है। देखते हैं अगर ये कहीं चिपक सकेगा कहीं टॉप पे दीवार पे। हाँ मिरर में लगा सकते हैं, नीचे वाली वाइट उतारनी पड़ेगी। वैसे मेरा मन तो था कि हम इसे ज्यादा देर तक रहने दें बट हमें किसी भी तरह की उसमें नहीं फंसा। अच्छा भी लग रहा था ना। हाँ अच्छा भी लग रहा था, सूट कर रहा था पूरा। चिपका सकते हैं। चलो छोड़ो उतारने, उतने दो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसने ग्लू छोड़ी है ना, ये साफ हो जाएगा पीपीए से। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, पीपीए से साफ हो जाएगा ना, बस कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। अभी क्या है कि फ्लैग तो उतर चुका है और उसके साथ साथ हमारा एसटीआर वाला जो स्टिकर है वो भी उतर चुका है और ये उसकी जो है गम आपको दिख रही है, यहाँ वाला स्टिकर उतर गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो साइड पे एसटीआर लिखा हुआ है ना ये भी उतार देते हैं, बिकॉज इसकी वजह से भी ना थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा गाड़ी की लुक में चेंज करते रहना चाहिए, इससे हटा के कहीं और लिख देंगे। तो अभी के लिए क्या है कि इसको भी रिमूव कर रहे हैं, तो चलो ये दूसरा है ये वाइनल है ना, वो वाला दूसरा था, ये वो पानी से चिपकने वाला है ना, तो देखो ये कुछ ग्लू वगैरह भी उतनी नहीं छोड़ेगा और ये सारा एक बार में उतर भी जाएगा। सो गाइज एक चीज मैंने अभी नोटिस करी, एक्चुअली मेरे को उतारते हुए इतना फील नहीं हुआ बट गाड़ी तो बहुत अजीब लग रही है, क्योंकि रोज ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इसी उसमें देखने की गाड़ी को आदत पड़ गई थी ना, तो अभी ये चेंज हुआ है इसका लुक, तो इसको नया लुक देने के लिए जब तक नया लुक नहीं आ जाता तब तक तो हमें करना ही पड़ेगा ये। तो चलो अभी जब पूरा उतर जाएगा फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे। अभी क्या है कि स्टिकर जो है हमने उतार दिए और मैं मतलब आपको गाड़ी नहीं दिखा सकता, मतलब मेरा खुद भी गाड़ी को देखने का मन नहीं कर रहा है, गाड़ी इतनी अजीब लग रही है। तो चलो कोई नहीं, अभी मैं गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब ये बहुत अजीब लग रही है, अब नेक्स्ट लुक जो इसकी आएगी उसी के साथ गाड़ी को हम दिखाएंगे। चलो ठीक है फिलहाल के लिए इतना ही है, तो जिमनी ले चलते। रोन भाई से सुबह बात हुई थी ऐसे, तो डेंट निकालने की जरूरत है नहीं है, नहीं है। चलो कोई नहीं फिलहाल के लिए थोड़ा सा नजर बट्टू भी रहना चाहिए, तो इनकेस अगर जैसे ये ना थोड़ी सी ग्रिल यहाँ से दब गई है, इनकेस अगर ग्रिल फिट होने में कोई दिक्कत होगी फिर हम इसको निकलवाना होगा तो निकलवा लेंगे। अंदर से बॉनेट खोल के देखें ना, इसको अंदर से ना बॉनेट खोल के देखते हैं इसका कितना ही है उसमें सिस्टम पानी। यहाँ से तो आराम से ही हाथ डाल के मेरे को लगता है मुक्का मार के। अच्छा ये पूरा फेंडर खुलेगा ना, ये मतलब ये फेंडर भी तो इतना ही है इसका, इसका महंगा होगा फेंडर नहीं, ये महंगा होगी। तो गाइस गाड़ी तो हमारी महंगी है बट अगर इनके इसके पार्ट्स अभी तक हमें चलो ऊपर वाले की जरूरत नहीं पड़ी, पड़नी भी नहीं चाहिए, बट एक बार हमें ये भी पता करना है कि महंगा कितना है। जैसे कई गाड़ियों के पार्ट्स ही बहुत महंगे आते हैं, अगर इसका वैसा मसला नहीं है तो फिर हम इस पे कोई एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, स्नॉर्कल भी लगा सकते हैं, उसके लिए डील करना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है, रोहन भाई के बिना हर एक चीज काफी मुश्किल है। गाइस पता नहीं क्यों इस गाड़ी में जब मैं बैठता हूँ ना, मतलब मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जैसे अभी क्या है, थार का फील तो अलग ही है, मतलब रुतबा है, लेकिन मुझे ऐसे ड्राइव में ना ये बड़ी अच्छी लगती है, छोटी सी प्यारी सी। अरे रुक जा संजू इतनी की जल्दी में, तो चलो यही बताओ सर। सो गाइस पहुंच चुके हैं रूम पे वापस और इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। उम्मीद करते हैं आज की रैली, आज का सारा दिन आपको, देखो यार हर एक दिन ना मॉडिफिकेशन ऑफ रोड, जैसे ना मेरे को बहुत से लोग कहते हैं सरुण भाई ऑफ रोड करो, हर दिन ऑफ रोड करो, इज इट पॉसिबल हर दिन ऑफ रोड करना, हर दिन गाड़ी तोड़ना, इज इट पॉसिबल भाई, क्या समझते ही नहीं हूँ। अभी तो मैं फुल लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहा था, तो चलो कोई मसला नहीं है, बाकी ठीक है इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग एंड यहाँ तक वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, तो बाय बाय।